हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी बोध गया का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो आ चुका है, बीए बीएससी पार्ट वन पार्ट टू सभी का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट वन का एग्जामिनेशन प्रोग्राम 2020 के बारे में कि आपके किस दिन में एग्जाम है, किस डेट में और कौन सा सब्जेक्ट आपका है, कौन सा ग्रुप में आपका एग्जाम होना है। तो देखिए, 20/9/2021 के डेट में ही आपका जो बोध गया का यूनिवर्सिटी पर अपलोड हो चुका है कि आपका प्रोग्राम। तो आइए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपके कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन का ना समझ पाने से आपके एग्जाम छूटे नहीं। और आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके कौन सा ऑनर्स का कब एग्जाम है और कब आपके सब्सिडरी पेपर होंगे, साथ ही जानेंगे कब आपके जनरल पेपर होंगे और अंत में जानेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी आपके कब होंगे। तो जो भी साथी आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम यानी बीए मीन्स आर्ट्स जो लिए हैं, बीएससी मीन्स जो साइंस लिए और बीकॉम मीन्स जो कॉमर्स लिए हैं, पार्ट वन ऑनर्स एग्जामिनेशन 2020। तो जो भी साथी फिजिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेटिक्स, एलएसडब्ल्यू, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धाजी स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड म्यूजिक, ये सारे जिनका भी ऑनर्स है वो सभी ग्रुप ए में आएंगे। ग्रुप ए का आपके ये सारे हैं। तो ये सारे वाले जो भी जिनका भी इतना सारा आपका ऑनर्स है, ये सब में किसी में भी आपके ऑनर्स आते हैं तो आपके ग्रुप ए में एग्जाम होगा। ग्रुप समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ग्रुप वाइज दिया हुआ है। अब ग्रुप बी का हम लोग देखते हैं। ग्रुप बी में देखिए पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी आता है। आप ग्रुप सी देखते हैं। ग्रुप सी में आपके बॉटनी, जियोलॉजी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, AIAS और फिलोसफी, ये सारे आपके ग्रुप सी में आते हैं। उसके बाद आपका ग्रुप डी में देखते हैं। तो ग्रुप डी में जो है आपके जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, अरबिक, मैथाली, पाली, परिशियन, बंगाली, भोजपुरी, प्रकृति, संस्कृत, ये सारे आपके ग्रुप डी में आते हैं। तो अब देखते हैं कि दो सिटिंग में इसका एग्जाम्स होना है। फर्स्ट सिटिंग 10 AM से लेकर 12 PM तक, सेकेंड सिटिंग 2 PM से लेकर 4 PM तक। अब ग्रुप वाइज इसको बांट दिया गया है। देखिए, आपके एग्जाम्स जो चलेंगे 4 अक्टूबर यानी 4/10/2021 को ग्रुप ए का फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा, वहीं 4 अक्टूबर 2021 का ग्रुप ए का फर्स्ट सिटिंग में फर्स्ट पेपर का एग्जाम होगा, पेपर वन। यानी कि जो आपने यदि हिस्ट्री ऑनर्स लिया है, आपका ऑनर्स है तो हिस्ट्री का पेपर वन आपका 10 अप्रैल 2021 को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। अब जो ग्रुप बी में आते हैं, यानी ग्रुप बी में जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि देख लीजिए ग्रुप बी में कौन सा सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशोलॉजी। जो पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी वाले होंगे उनका ग्रुप बी में ही 4 अक्टूबर 2021 को ही पेपर वन आपके सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। और वहीं 4 अक्टूबर जो केमिस्ट्री ऑनर्स लिए होंगे उनके लिए अलग से इधर दिया हुआ है, 4 अक्टूबर 2021 को ही सेकेंड सिटिंग में आपके केमिस्ट्री ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 6 अक्टूबर 2021 को, 6 अक्टूबर 2021 को ग्रुप सी का पेपर वन होगा और ग्रुप डी का पेपर वन होगा और केमिस्ट्री बी का एग्जाम होगा। तो ग्रुप सी में देखते हैं कौन कौन आता है। तो ग्रुप सी में यानी कि जिनका भी बॉटनी, जियोलॉजी, कॉमर्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, AIAS एंड फिलोसफी, जिनका भी ग्रुप सी में है, ये सभी का आपके 6 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में पेपर वन का एग्जाम होना। इसी तरह ग्रुप डी का सेकेंड सिटिंग में फर्स्ट पेपर का एग्जाम होना है। तो ग्रुप डी में आप सब ये देख सकते हैं, ये सारे जितने लोग हैं, ये सारे जिनका भी इनमें से किसी भी ऑनर्स का आपका हो तो आपके पेपर वन का एग्जाम 6/10/2021 को हो जाएगा। इसी तरह 11/10/2021 को ग्रुप ए का पेपर टू हो जाएगा और ग्रुप बी का पेपर टू हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में। 11/10/2021 को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए वाले का पेपर टू हो जाएगा, ग्रुप बी वाले का पेपर टू सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा और केमिस्ट्री वाले का कोई एग्जाम नहीं है। केमिस्ट्री भी 6 अक्टूबर को ही सेकेंड सिटिंग में था। अब 22/10/2021 का बात करें तो 22/10/2021 को ग्रुप सी वाले का पेपर टू होगा, ग्रुप डी वाले का पेपर टू होगा और केमिस्ट्री सी हो जाएगा। ये आपके ऑनर्स पेपर सारे कंप्लीट हो गए। अब आइए देखते हैं सब्सिडरी पेपर के लिए। तो सब्सिडरी एग्जामिनेशन जो आपके होंगे वो पार्ट वन 2021, सब्सिडरी एग्जामिनेशन जो होंगे फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग सेम है। अब देखिए सब्सिडरी में क्या होगा, आर्ट्स वाले के लिए 25/10/2021 को जो होगा, आर्ट्स वाले का फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स होगा, साइंस वाले का कोई एग्जाम और कॉमर्स वाले को फर्स्ट सिटिंग में 25 तारीख को नहीं होगा। और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के लिए
बुद्धिस्ट स्टडीज और पीए जिनका भी होगा उनका होगा, जिनका नहीं है उनको लिए उस दिन टेंशन नहीं लेना है। जिसने अब जो मान लीजिए इकोनॉमिक्स कोई चूज ही नहीं किया तो उनको उस दिन नहीं जाना, लेकिन इकोनॉमिक्स आपने चूज किया है सब्सिडरी पेपर तौर पे तो आपको 25/10/2021 को फर्स्ट सिटिंग में जाना है। उसी तरह साइंस वाले के लिए बोटनी हो जाएगा 25 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, और कॉमर्स वाले के लिए बीओ हो जाएगा। अब बात करते हैं 27/10 का, तो 27/10 को फर्स्ट सिटिंग में आर्ट्स वाले का AIAS होगा, वहीं साइंस वाले का बात करें तो साइंस वाले के लिए उस दिन फिजिक्स हो जाएगा और कॉमर्स वाले का कोई एग्जाम नहीं है उस दिन। अब 27/10 को ही सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस है और साइंस वाले का कोई को एग्जाम नहीं है और कॉमर्स वाले के लिए कोई एग्जाम 27/10 को नहीं है। अब बात करते हैं 29/10/2021 का, तो 29/10/2021 को जो आर्ट्स वाले हैं उनका LSW है फर्स्ट सिटिंग में और साइंस और कॉमर्स वाला का कोई एग्जाम 29/10/2021 को भी नहीं है। अब देखते हैं आर्ट्स वाले के लिए सेकेंड सिटिंग में, तो सेकेंड सिटिंग में म्यूजिक एंड स्टडीज हो जाएगा, साइंस वाले के लिए एस्थेटिक्स हो जाएगा और कॉमर्स वाले के लिए PR इकोनॉमिक्स हो जाएगा। फिर देखते हैं अब 1 नवंबर 2011 यानी 1/11/2021 का, तो ये फर्स्ट सिटिंग में ये आपके आर्ट्स वाले के लिए होम साइंस हो जाएगा और साइंस कॉमर्स का कोई एग्जाम नहीं है 1 नवंबर को, और आर्ट्स वाले के लिए सेकेंड सिटिंग में फिलोसफी हो जाएगा और साइंस वाले के लिए कंपोजिशन का एग्जाम हो जाएगा और आर्ट्स कॉमर्स वाले के लिए भी कंपोजिशन का एग्जाम सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। अब आते हैं 12/11 को, तो 12/11/2021 को आर्ट्स वाले के लिए साइकोलॉजी हो जाएगा और साइंस और कॉमर्स वाले के फिर से कोई एग्जाम नहीं है फर्स्ट सिटिंग में। अब सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के लिए मैथ, जो साथी मैथ लिए होंगे घबराने की जरूरत नहीं है कि आर्ट्स वाले सभी का मैथ होगा, जो आर्ट्स में भी कोई मैथ रख लेते हैं सब्सिडरी पेपर तो उनका ही सिर्फ मैथ होगा आपका 12/11/2021 को सेकेंड सिटिंग में। उसके बाद साइंस वाले का भी मैथ होगा, कॉमर्स वाले का कोई एग्जाम नहीं है उस दिन। अब 16/11 का बात करते हैं, तो 16/11 को आप देख सकते हैं 16/11 के लिए आर्ट्स वाले का लैंग्वेज एंड लिटरेसी का एग्जाम हो जाएगा, साइंस का जियोलॉजी हो जाएगा, कॉमर्स का कोई एग्जाम उस दिन नहीं है। उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के लिए 16/11 को ही सोशोलॉजी हो जाएगा और साइंस वाले का कोई एग्जाम नहीं है, और कॉमर्स वाले के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो जाएगा। उसके बाद 18/11 का बात करते हैं, तो 18/11/2021 को आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी हो जाएगा, साइंस का कोई एग्जाम नहीं है, कॉमर्स का भी कोई एग्जाम नहीं है। हिस्ट्री होगा आपके सेकेंड सिटिंग में 18/11 को आर्ट्स वाले का हिस्ट्री सब्सिडरी पेपर, और इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस वाले का हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में और कॉमर्स वाला का उस दिन भी कोई एग्जाम नहीं है। अब 22/11 को देखते हैं, सब्सिडरी का लास्ट पेपर है 22/11/2021 को, आर्ट्स वाले के लिए आर इकोनॉमिक्स, साइंस वाले के लिए केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले का कोई एग्जाम नहीं है, वहीं सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का कंपोजिशन, साइंस वाला का कोई एग्जाम नहीं है और कॉमर्स वाला का उस दिन कोई एग्जाम नहीं है। ये आपके ऑनर्स और सब्सिडरी कंप्लीट हो गया। अब जो जनरल पेपर रखे हैं सब्सिडरी और ऑनर्स के अलावे जो भी पेपर है उसके लिए देख लीजिए, तो इसमें भी दो सिटिंग होना है, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग। अब 25/10/2021 को जो जनरल पेपर है 25/10/2021 को ही आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स हो जाएगा और साइंस कॉमर्स का कोई एग्जाम नहीं है, आर्ट्स वाले का बुद्धिस्ट स्टडीज हो जाएगा और साइंस वाले का बॉटनी है और कॉमर्स वाले के लिए बीओ है। अब 27/10 को आर्ट्स वाले का फर्स्ट सिटिंग में AIAS है और साइंस वाले का फिजिक्स है और कॉमर्स वाला का कोई एग्जाम नहीं, ये जनरल के लिए है। फिर आर्ट्स वाले के लिए पॉलिटिकल साइंस है, साइंस वाले के लिए कोई एग्जाम नहीं है, कॉमर्स वाले के लिए कोई एग्जाम नहीं है। अब फिर हम लोग देखते हैं 29/10 को, तो 29/10 को LSW आर्ट्स वाले के लिए फर्स्ट सिटिंग में, साइंस कॉमर्स कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के म्यूजिक स्टडीज है, साइंस वाले के लिए एस्थेटिक्स है और कॉमर्स वाले के लिए PR इकोनॉमिक्स है। फिर देखते हैं 1/11/2021 को, तो 1/11/2021 जो है 1/11/2021 इसमें भी आपके आर्ट्स वाले का होम साइंस हो जाएगा और साइंस कॉमर्स का कोई एग्जाम नहीं है फर्स्ट सिटिंग में, सेकेंड सिटिंग में कंपोजिशन आर्ट्स वाले का हो जाएगा और साइंस वाले के लिए भी कंपोजिशन होगा और कॉमर्स वाले के लिए कंपोजिशन होगा। 1 नवंबर 2021 का जो सेकेंड सिटिंग में है ये तीनों के लिए कंपोजिशन होगा जिन्होंने जनरल पेपर रखा होगा। अब है 12/11/2021 साइकोलॉजी फर्स्ट सिटिंग आर्ट्स वाले के लिए, साइंस कॉमर्स वाले के लिए कोई एग्जाम नहीं है 12/11 को भी, और आर्ट्स वाले का मैथ हो जाएगा सेकेंड सिटिंग में और साइंस वाले का मैथ हो जाएगा, कॉमर्स वाले का कोई एग्जाम नहीं है, ये जिन्होंने जनरल पेपर रखे हैं उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब 16/11 को देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेसी आर्ट्स वाले के लिए, साइंस वाले के लिए जियोलॉजी, कॉमर्स वाले का कोई एग्जाम नहीं है, सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के सोशोलॉजी,
आर्ट्स साइंस वाले का कोई एग्जाम नहीं है, कॉमर्स वाले के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट। अब 18/11 को आप देख सकते हैं, तो 18/11 को फर्स्ट जो आर्ट्स वाले हैं फर्स्ट सिटिंग में ज्योग्राफी साइंस कॉमर्स का कोई एग्जाम नहीं है, सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री, आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री और साइंस वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, और कॉमर्स वाले के लिए कोई एग्जाम नहीं है। अब 22/11 एंड लास्ट एग्जाम्स की बात करते हैं, 22/11/2021, तो आर इकोनॉमिक्स ये आर्ट्स वाले के लिए है फर्स्ट सिटिंग, साइंस वाले के लिए केमिस्ट्री है फर्स्ट सिटिंग में, कॉमर्स वाला का कोई एग्जाम नहीं है। उसके बाद सेकंड सिटिंग में आर्ट्स वाला के लिए फिलोसफी है और साइंस और कॉमर्स का कोई एग्जाम नहीं। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि यहाँ से ऑनर्स, आपके ऑनर्स, फिर सब्सिडरी, ऑनर्स सब्सिडरी और आपके जनरल पेपर जो था, जिनका भी जहाँ पे था वो अपने अपने सब्जेक्ट को मैच कर पाए होंगे। उसके बाद ही साथ ही अब देखते हैं प्रोग्राम फॉर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट वन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2020। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो 25/11/2021 टू 30/11 इस बार बहुत ही जल्दी जल्दी करवा रहा है, ज़्यादा गैप नहीं दिया है पिछली बार की तरह। तो 25/11 यानी 22/11 को आपका कंप्लीट होगा 22 नवंबर को, और 25/11/2021 से 30/11/2021 तक ऑनर्स सब्सिडरी जनरल साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिनका भी जो भी प्रैक्टिकल है वो संबंधित कॉलेज में ही आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल का कोई अभी रूटीन जारी नहीं किया है, बस जिनका जिनका ऑनर सब्सिडरी जनरल साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों में जिनका भी प्रैक्टिकल जिस सब्जेक्ट में होता है तो वो 25/11 से 30/11 तक हो जाएगा। आज देख सकते हैं अभी ऑर्डर ये जारी हुआ है 20 तारीख को, और इसी तरह से आपके सब्जेक्ट, फिर भी यदि कोई डाउट आपके बच जाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का भरपूर कोशिश करूंगा और जहां तक होगा मदद करूंगा। तो इसी के साथ आप वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।